नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सतना जिले के मझगुआ क्षेत्र में एक ऐसा गांव भी है जहां पर कुपोषण से लगातार परेशान हो रहे बच्चे मौजूद हैं। पूरे देश में कुपोषण के लिए ये गांव कुख्यात हो चुका था। यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीमों ने भी आकर इसकी पूरी तफ्तीश की, लेकिन इसके बावजूद कुपोषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि लोगों की अज्ञानता है और लोग जल्द ही अंधविश्वास के पाले में जकड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही कोरोना के साथ भी हुआ। कोरोना काल में जब टीका लगवाने की बात आई तो यहाँ के लोग टीका लगाने से डर रहे हैं। दरअसल गांव में कुछ लोगों की नेचुरल मौत हुई और उसके बाद उन्हें ये लगा कि कोरोना टीका लगवाने के बाद ऐसा हुआ है, और तब से डर कर ये लोग कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे। सरकारें कोरोना महामारी से बचने टीकाकरण को ही एकमात्र विकल्प मानकर युद्ध स्तर पर पूरे देश में टीकाकरण करवाने की मुहिम छेड़े हैं, मगर सतना जिले का मझगुआ क्षेत्र, जो कि कुपोषण के मामले में देश भर में बदनाम है, यहां पर कोरोना को लेकर भी हद दर्जे की लापरवाही हो रही है। आदिवासी बहुल इस इलाके में कोरोना वैक्सीन की ऐसी अफवाह फैली है कि लोग टीका नहीं लगवा रहे। दर्जनों गांव हैं जिनमें अभी तक एक भी व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हुआ है और स्थानीय लोग जड़ी बूटियों से इलाज का दावा कर रहे हैं। सतना जिले के मझगुआ गांव के एक दर्जन गांव ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति कोरोना का टीका नहीं लगवाया और न ही लगवाने को तैयार है। पिंडरा ग्राम पंचायत के बरहा मवान, मलगौसा ग्राम पंचायत के रामनगर खोखला, झरी ग्राम पंचायत के पुतरिहा, मझगुआ ग्राम पंचायत के गहरा गढ़ी घाट, सिंहपुर ग्राम पंचायत के किरहाई पुखरी आदि गांव में किसी को एक भी टीका नहीं लगा है। लोगों से जानने का प्रयास किया कि आखिरकार वो कोविड 19 की वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे, तो ग्रामीणों ने बताया कि वो इस बात से डरे हुए हैं कि टीका लगवाने के बाद मौत हो जाती है। ये कहते थे कि टीका लगवाए से आदमी मर जाते हैं, बहुत से बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाते हैं। तब कहा जब बुखार आ जाके तो कहे का लगवावे, नीक हो जाके तो लगवावे, जैसे मरीन जाके तो फिर दे पैसों दे से तो का मतलब की है। हमारे टीका लगवाने से जो है बहुत लोग मर गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो इसलिए हम नहीं लगवाते हैं। इसलिए कि अगर वो नुकसान कर दिया, हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगवाते। ये भ्रम ग्रामीणों में इसलिए है क्योंकि आसपास के इलाकों में कई लोगों की स्वाभाविक मौत हुई है, लेकिन ग्रामीण इन मौतों को कोविड 19 वैक्सीन से जोड़कर देख रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। आदिवासी बहुल मझगुआ ब्लॉक के इन गांव में कुपोषण की काली छाया है। आदिवासियों के घर के 70% मासूम कुपोषित हैं। कई बार यहां मासूमों की कुपोषण से मौत देश भर की सुर्खियां बनी। यूनिसेफ तक की टीम सर्वे के लिए आई और कई प्रोजेक्ट कुपोषण खत्म करने के लिए चलाए जा रहे, लेकिन इसके बावजूद अब कोरोना महामारी को लेकर हद दर्जे की लापरवाही बरती जा रही है। जिला प्रशासन अपनी टीका लगवाने की बात व्यापक स्तर से कर रहा है, किंतु यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन का सरकारी व्यक्ति ऐसे आदिवासी जंगल के गांव में नहीं आते हैं जिससे लोग टीके से वंचित हैं। तो पूरा जो सरकारी सिस्टम है इस काम में लगा है। ये जरूर है कि सही है कि भ्रांतियाँ हैं और आदिवासी इलाके में थोड़ा भ्रांति को दूर करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में बुखार और खांसी के मरीजों को ग्रामीण जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों से ठीक कर लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर टीका लगवाने के बाद उन्हें बुखार होगा और मौत हो गई तो शासन से मिले पैसे का वो क्या करेंगे। यही वजह है कि इन गांव में वैक्सीनेशन लगभग 0% ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी ग्रामीणों में फैली इस भ्रांति को दूर करने और लोगों को जागरूक करने का कोई खास प्रयास नहीं कर रहा। हालांकि प्रशासन का दावा जरूर है कि जमीनी कार्यकर्ता जैसे आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम सहायक के माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीएम मझगुआ का दावा है कि हम जल्दी ही ग्रामीणों को समझाइश देकर न सिर्फ उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे बल्कि टीकाकरण कराएंगे। उसमें हमारे मझगुआ ब्लॉक के अधिकांश गाँव के लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, उनसे हम बार बार बोलते हैं, हमारी आशा कार्यकर्ता एएनएम बार बार बोलती हैं लगवाने के लिए, वो नहीं आते हैं। और ऐसे गांव ये मझगुआ से यहाँ से होते हुए झरी, नकैला और परमनिया, ये सब ऐसे गांव हैं जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। ब्रह्मधक के आसपास के गांव, वहाँ पे भी लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली ये सारे जितने भी गांव हैं सब आदिवासी बहुल क्षेत्र है,